नमस्कार, मैं रोशनी कुशल जायसवाल आज आप सबको मोदी सरकार में हुए बड़े रेल हादसों की सच्चाई बयां करूंगी। डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस आज ही यूपी के गोंडा में अपने ट्रैक से उतर गई, जिसमें न जाने कितने लोग घायल और कई मौतें भी हुई हैं। रेल मंत्री कहा जाए या फिर रेल मंत्री, इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है। चाहे जितने भी रेल एक्सीडेंट्स हो जाए, वो अपने पद पर बरकरार रहना चाहते हैं। रेलवे स्टेशंस बनाए, मॉल की तरह उनके टिकट घर बनाए, लेकिन रेल हादसे ना हो इसके लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। पिछले 10 सालों में हुए बड़े हादसों की लिस्ट कुछ इस प्रकार है। 26 मई 2014 गोरखधाम एक्सप्रेस, 25 लोगों की मौत, 50 से ज़्यादा घायल। 20 मार्च 2015 जनता एक्सप्रेस, 58 लोगों की मौत, 150 से ज़्यादा घायल। 20 नवंबर 2016 इंदौरा पटना एक्सप्रेस, 150 लोगों की मौत, 150 से ज़्यादा घायल। 21 जनवरी 2017 हीराखंड एक्सप्रेस, 41 लोगों की मौत, 68 से ज़्यादा घायल। 18 अगस्त 2017 पुरी हरिद्वार उत्कल एक्सप्रेस, 23 लोगों की मौत, 60 से ज़्यादा घायल। 23 अगस्त 2017 कैफियत एक्सप्रेस, 70 लोग घायल। अभी लिस्ट और है। 10 अक्टूबर 2018 न्यू फरक्का एक्सप्रेस, 7 लोगों की मौत, 60 से ज्यादा लोग घायल। 3 फरवरी 2019 सीमांचल एक्सप्रेस, 7 लोगों की मौत, 37 लोग घायल। 13 जनवरी 2022 बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस, 9 लोगों की मौत, 36 घायल। 2 जून 2023 बालासोर रेल हादसा, 296 लोगों की मौत, 9 से ज़्यादा लोग घायल। 11 अक्टूबर 2023 नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस, 4 लोगों की मौत, 100 से ज़्यादा घायल। 17 जून 2024 कंचनजंगा एक्सप्रेस, 15 लोगों की मौत, 60 से ज़्यादा लोग घायल। 18 जुलाई 2024 डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस यूपी के गोंडा में पटरी से उतरी, जिसमें 4 लोगों की मौत, कई लोग घायल। जिम्मेदारी किसकी? लोग तो सफर करने गए थे, कहीं ना कहीं पहुंचने वाले थे, लेकिन अपने सफर से वो अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाए। लेकिन इस तरीके के रेल हादसों में घायल होकर, भगवान को प्यारे होकर, किसी और का कुछ नहीं जाता, जाता है तो उनके घर परिवार वालों का। उनके घर परिवार से एक सदस्य हमेशा के लिए चला जाता है, जिसके बदले में सरकार मुआवजा देने का वादा करती है।